लगा दिया जाता है कि वहां लोग गाड़ी लेके नहीं जाते हैं। तो ऐसे जगह पर अगर आपको 10-15 स्लाइड है कि एयर पोल्यूशन है क्या, तो जो पोल्यूटेंट्स हम अपने एटमॉस्फेयर में होते हैं उसके जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, पब्लिक की जगह क्लस्टर में ज़्यादा इकट्ठा होने लगी है और मॉडर्नाइजेशन भी काफ़ी हद तक हुआ है, तो जो इसके यही सब मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। बाकी जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो भी निकलते हैं, पब्लिक ज़्यादा है, समस्याएँ ज़्यादा हैं, इसलिए वेस्ट भी ज़्यादा निकल रहे हैं, और इन सबको एक साथ मैनेज करने के और एक कंपोजिट सोच के साथ चलने की जरूरत पड़ी। अपने अड़ोस पड़ोस पे सबसे पहले ध्यान दें, अपने घर पर ध्यान दें, साफ सफाई पर ध्यान दें, और जो जैसा कि व्हीकल्स वगैरह हैं इसको ट्यूनिंग पे रखा जाए। सबसे पुराने व्हीकल्स हैं जिसमें ट्यूनिंग सही नहीं रहती है तो उससे ज़्यादा प्रदूषण होता है। पेड़ पौधे अगल बगल जरूर लगाए जाएँ, और जितने भी आपके कूड़े कचरे हैं इनको सही जगह पर रखा जाए। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है इसके लिए हम लोग विशेष निगरानी रख रहे हैं। आज जो संगोष्ठी हुई उसमें पूर्णता वायु प्रदूषण के बारे में बात की गई, उससे होने वाली इमरजेंसी के लिए जो एक्सो लैब ने अपना जो उत्पाद ऑक्सी-99 अभी मार्केट में लॉन्च किया है, उससे निसंदेह ऐसे रोगियों को सहायता जरूर मिलेगी जो अस्थमा और सीओपीडी वाले हैं। तो उनमें एप्सो लैब का जो ऑक्सी-99 है ये उनके लिए एक रामबाण सा होने वाला, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान में कभी भी 2 से 5 इनहेलर लेते ही पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा तो कम से कम वो अस्पताल तक पहुंच जाएगा। एज ए फर्स्ट एड इमरजेंसी ऑक्सी-99 एक ऐसा उत्पाद है जो पेशेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा सारे जो डॉक्टर्स यहाँ आज उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी बातें रखी, वायु प्रदूषण के लिए लोगों को आगाह किया और अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं।